तो मेरे बच्चों, यस, तो अब आ गया है अल्टीमेट एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज, जिसका नाम है एनसीईआरटी हाइलाइट्स। यहाँ पे आपको पेज नंबर भी दिख रहा होगा, फ्रॉम पेज नंबर 46 to 60, एनिमल किंगडम, कौन सी एनसीईआरटी का पार्ट है, क्लास 11। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 से। हर दिन वी आर गोइंग टू टेक वन चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। वी आर गोइंग टू कवर 11th एंड 12th कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी। बट इसके लिए मुझे आपसे दो प्रॉमिस चाहिए। यस बच्चा लोग, आई वॉन्ट टू प्रॉमिस फ्रॉम यू पीपल। वन प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू बी रियली एक्टिव इन द चैट बॉक्स। दूसरी चीज, यू विल गोइंग टू गेट योर एनसीईआरटी। जैसे मुकेश ने तो बहुत अच्छे से मैम को बताया 10 बार चैट बॉक्स में लिख के कि मैम मैंने अपना 46 पेज नंबर खोल लिया है एनसीईआरटी का। एब्सोल्यूटली ऐसे ही बच्चे मुझे सारे चाहिए जो अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे, सेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बैठे। क्योंकि अगर 60 मिनट्स में कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन मिल रहा है ऑफ वन चैप्टर, आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा किसी भी बच्चे को इस टाइम कुछ भी चाहिए, राइट? तो यानी कि जब तक नीट का एग्जाम की डेट्स नहीं आ जाती, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज वन बाय वन। मैम इज गोइंग टू टेक एवरी चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट नथिंग इज मिस्ड टिल आवर नीट एग्जाम। तो सुबह के 9 बजे के सेशन में हम इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू मेंटी क्विज, और 11 o'clock के सेशंस में वी आर गोइंग टू स्टडी दीज चैप्टर्स। तो पढ़ाई भी होगी और साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, तभी तो आएगा बहुत सुपर मजा, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस अमेजिंग न्यू सीरीज ऑन एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सब बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी ला के बैठे हुए हैं। अगर बैठे हुए तो एक जल्दी से लाइक कर दो, मैम को पता लग जाएगा कि येस, यू पीपल आर सिटिंग विद योर एनसीईआरटी। इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का चमकता हुआ एक शब्द दिख रहा होगा जिसका नाम है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को फॉर ऑल सच अमेजिंग वीडियोस। बेल आइकन को प्रेस कर दो फॉर ऑल नोटिफिकेशन। एंड वन थिंग आई वुड रियली लव टू टेल यू गाइस, जितना भी हम काम करते हैं, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय सुमैया मैम हु इज SME बायोलॉजी। सो वट एवर यू सी, जितनी भी आपको स्लाइड्स दिखती है, टैबला फॉर्म्स दिखती हैं, चीट कोड दिखते हैं, सब कुछ सुमैया मैम बनाती हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर, सो वी आर अ टीम हियर, मी एंड सुमैया वर्किंग टुगेदर टू गेट दिस वर्क डन फॉर यू। नाउ अ डेज यू आर गेटिंग PDFs ऑल्सो, तो ये सारे PDFs का अरेंजमेंट भी सुमैया मैम करती हैं। सो आई थिंक शी नीड्स योर थम्स अप, राइट गाइज? शी नीड्स अ थम्स अप फॉर दिस जॉब। दिस जॉब इज रियली बड़ा जॉब। एंड जेस 12th क्लास का नीट क्रैश कोर्स है जो 27 अप्रैल से शुरू हो चुका है। जी स्क्वायर ने इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर भी पढ़ा दिया। आज मैम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज भी पढ़ाने वाली है। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब के हैं वो मेरे क्रैश कोर्स में आ चुके हैं। तो इसमें 4 क्लासेस पर डे होती है, 2 बायो की, 1 फिजिक्स की, 1 केमिस्ट्री की, जिसमें मैम की जी स्क्वायर की क्लास 4 o'clock एवरी डे होती है। हर क्लास का ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes होता है। बहुत सारे क्विजेज भी होते हैं। After teaching, I take lot of quizzes, 20 full test भी मिलेंगे आपको for quick revision. ये crash course लेने के लिए video के नीचे description box में एक link दिया होगा, vdnt.in/neetcc. वो उस link पे जाना है, आपको 6000 rupees pay करना है by using this code GANEET. बहुत आसान है यार, G-Square के साथ जुड़ जाओ, what are you waiting for? एंड घर बैठे बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, विदांतु की ऐप को डाउनलोड करना है। यू हैव टू डाउनलोड विदांतु ऐप फॉर दिस। एंड आज का स्केड्यूल देखते हैं। आज सुबह 9 बजे मैम ने तुम्हें पकड़ा था एवोल्यूशन के लिए, क्या मचाया था बॉस। 1450 बच्चे थे, 1450 स्टूडेंट्स वर देयर लाइव वॉचिंग मी। एंड अभी 11 o'clock का सेशन है, जो सेशन मच वांटेड सेशन था, बच्चों की डिमांड पे मैंने पूरा सेशन बनाया है एनसीईआरटी सीरीज। देन 1 o'clock यू है फिजिक्स सेशन, 4:30 bio, 5:30 bio, 7:30 chemistry, 9:30 chemistry. नाउ इट्स अ टाइम वी स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ऑल सेट? यस यस संजय, संजय कह रहे मैम मैं भी बुक खोल के बैठा हूँ। एवरीबडी विद बुक्स, ऑल सेट? कैन यू सी दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? सब बच्चा लोग देख पा रहे हैं पहला पेज? यस, देव शाह, अमरीश, खुशी, मणि त्रिपाठी, ओके, खुशी त्रिपाठी, आराधना, सना, दीप्ति, सौरभ बरवाल सब हमारे, फातिमा। आई थिंक दिस इज अ टाइम नाउ वी शुड स्टार्ट आवर स्टडीज। यू हैव टू बी रियली इंटरैक्टिव थ्रू आउट द सेशन बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। डन गाइज? यस, आई थिंक मुझे सब बच्चों का बहुत ही ज्यादा हाई जोश दिख रहा है इस वक्त। सब रेडी अपनी एनसीईआरटी लेके, वाओ। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडीज नाउ।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने हर अपनी वीडियो में एनिमल किंगडम की एक चीज बहुत क्लियरली आप बच्चों को हमेशा बताई है कि इस चैप्टर में घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से तीन सवाल अक्सर आते हैं. कितने सवाल आते हैं? तीन सवाल आते हैं. चैप्टर को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, सेकंड मैंने इसे डिवाइड किया है नॉन कॉर्डेट्स में, तीसरा मैंने इसे डिवाइड किया कॉर्डेट्स में. तो तीन पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड है, तो यानी हर एक सेक्शन से एक एक सवाल आएगा. तो यानी कि पूरे चैप्टर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, तीन सवाल बनते हैं और तीन ही क्वेश्चन अक्सर नीट के एग्जाम में आते हैं. तो सबसे पहले तो एनालिसिस कर लिया हमने चैप्टर का, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कैसे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, क्यों जरूरत है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की? क्योंकि बच्चा अगर कॉकरोच आपको दिख रहा है तो कॉकरोच के कैरेक्टर्स भी तो पता होने चाहिए, तभी तो उसे चप्पल से मारोगे तुम लोग. क्या बात, सही बात, यस बिल्कुल सही. तो यानी कि अगर कॉकरोच आपको पता है कि कॉकरोच को झाड़ू से नहीं मारा जा सकता, वो मरेगा तो सिर्फ चप्पल से, तो उस चप्पल से मारने के लिए भी उससे पता तो होना चाहिए कि ये कॉकरोच है. तो इसी तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को. जैसे हमारे मैमल्स हैं, Why do you call mammals mammals? क्यों कहते हैं mammals को mammals? क्योंकि उनके पास memory glands होते हैं. Reptiles को reptiles क्यों कहते हैं? क्योंकि वो creeping animals होते हैं, उनकी skin पे scales होते हैं. Birds को birds क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उड़ पाती हैं, वो पक्षी हैं. तो इसी तरीके से कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो हमें एनिमल्स की पता होनी चाहिए, और इन विशेषताओं को हमने कुछ आधारों पे डिवाइड किया है, लेवल्स पे डिवाइड किया है. तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो हमें पढ़ना है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका, जितने भी ब्लैक कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं उनको पकड़ लो, सामने उसके एग्जाम्पल लिख लो. क्या तरीका है? सारे ब्लैक वर्ड्स को पकड़ लो, सामने उसके एग्जाम्पल लिख लो. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमको. तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं. तो सिंपलेस्ट एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जल्दी से मुझे फाइलम बता दो जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इट इज योर स्पॉन्जेस. कौन सा होता है? स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉरीफेरा. तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही सेल हर तरह का काम करेगा, यानी रेस्पिरेशन भी यही करेगा, एक्सक्रीशन भी यही करेगा, डाइजेशन भी यही करेगा, रिप्रोडक्शन भी यही करेगा. जब हर एक सेल हर एक काम करे उसे कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका केवल एक एग्जाम्पल है एनिमल किंगडम में, दैट इज योर स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा, ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट बोल्ड वर्ड पे, टिश्यू लेवल. अब टिश्यू लेवल के वहीं पे एग्जाम्पल लिखो अपनी एनसीईआरटी में. दो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने. पहला है आपका सिलेंट्रेटा, दूसरा है आपका टीनोफोरा. पहला है सिलेंट्रेटा, दूसरा है आपका टीनोफोरा. दो एग्जाम्पल लिखे. अब इसके बारे में जानते हैं. टिश्यू लेवल में क्या है? जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी सेल के बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, दैट विल बी योर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये ज्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पे ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा. क्या मिलेगा? ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा. More division of labor will be seen in case of tissue level of organization. Now after tissue level, NCERT ने देखो यहाँ क्या लिखा है? Organ level. Organ level में सिर्फ NCERT ने एक example लिखा है, that is your platyhelminthes. यानी कि सिर्फ organ level of organization किस में देखने को मिलता है? Platyhelminthes में देखने को मिलता है. जबकि organ system starts from Ascalminthes. यानी कि जो हमारा लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बड़ा लेवल है, दैट इज अ ऑर्गन सिस्टम, जो किस में देखने को मिलता है? एस्कलमिंथिस में देखने को मिलता है. फ्रॉम एस्कलमिंथिस टिल कॉर्डेट्स. तो पहला पैराग्राफ वहीं पे उसके एग्जाम्पल लिखो, वहीं पे उसके पॉइंट्स लिखो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ क्या क्या इसके बारे में एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे लिख के बताया? ऑर्गन सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है. बता दो कौन कौन से सिस्टम है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन से सिस्टम है. यस, पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपकी बॉडी में है, ठीक है। हर सिस्टम अपना काम करेगा, यानी एक्सक्रीशन का काम सिर्फ किडनी करेगी, उस केस में और कोई ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटी हेलमिंथस हैज गॉट सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी इस लाइन से क्या बताना चाह रही है कि जो प्लैटी हेलमिंथस होते हैं उनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स कितनी ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि खाना आएगा भी इस ओपनिंग से और पचाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी ओपनिंग से जाएगा। सो सिंगल ओपनिंग इन केस ऑफ प्लैटी हेलमिंथस, यानी इंजेशन भी इससे, इजेशन भी इससे। सच अ टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज, यस गाइज, such a type of body plan is called as blind sag body plan. के कहंदे बच्चा लोग, क्या कहंदे बच्चा लोग इसको? blind sag body plan, यहीं पे लिखो, प्लैटी हेलमिंथस के ऊपर ही लिखो, यहीं पे एनसीईआरटी में blind sag body plan, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज में हमें यहाँ पे दूसरी चीज जो बता रहे हैं एनसीईआरटी की, जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है उसमें वन ओपनिंग होती है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं पे अगर ह्यूमंस की बात की जाए, तो हमें होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी हमारी बॉडी के अंदर है एलिमेंट्री केनाल। क्या है? हमारी बॉडी के अंदर है एलिमेंट्री केनाल। तो यहाँ पे एक ओपनिंग है माउथ, तो दूसरी ओपनिंग है एनस, ठीक है, दो ओपनिंग है। सो दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है बच्चा लोग? कम ऑन, बी क्विक, बहुत अच्छे से हमको रिवाइज करना पूरा एनसीईआरटी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज्ड। यहां पे एक मेजर पॉइंट बता रही हूं, कैपिलरीज, किस में होती है कैपिलरीज, किस में नहीं होती है कैपिलरीज, ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की। आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक आल्सो हाउ टू रिमेंबर दिस, किस में कैपिलरी होती है, किस में कैपिलरी नहीं होती है, कौन सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताने वाला है, लेट मी सी द आंसर। क्लोज, वसंती ने सबसे पहले जवाब दिया, अंजलि वेरी गुड, हेमावती वेरी गुड, देवांशी वेरी गुड, इकनोर चड्डा, सुपर वॉरियर, स्वप्निल, मुस्कान, शुभम, निधि, एब्सोल्युटली स्टनिंग आंसर बच्चा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि क्लोज्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? सी। क्लोज्ड यानी किससे स्टार्ट हो रहा है? सी। तो यही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगी? कैपिलरीज। क्या होगी? कैपिलरीज विच ऑल्सो स्टार्ट विथ सी। तो यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द नीट एग्जाम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विल ऑलवेज बी हैविंग कैपिलरीज, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होंगी, यानी नहीं होंगी। ओपन वाले में ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है टिश्यू में, बट क्लोज में ब्लड कभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है ब्लड में, ठीक है। ओपन का एक एग्जाम्पल है विदाउट एनी एक्सेप्शन, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा पूरा फाइलम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द एंटायर फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट एनी एक्सेप्शन। लिख रहे हो एनसीईआरटी में? यस, एवरीबॉडी इज राइटिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनसीईआरटी, कि पूरा आर्थ्रोपोडा, चाहे आपको एग्जाम्पल उसमें स्कॉर्पियन का दे दो, या फिर आप स्पाइडर का ले लो, कॉकरोच का ले लो, या फिर प्रॉन का ले लो, पूरा का पूरा फाइलम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सी से याद रखना है कैपिलरीज, यानी कि यहाँ पे ब्लड कभी टिश्यू के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, जैसे कि हम में, मैमल्स में, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉल्स। यूरोकॉर्डेट्स में ओपन होता है, यूरोकॉर्डेट्स में ओपन होता है, बाकी सारे कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डन। यस, नेक्स्ट सिमेट्री, लेट्स कम टू द सिमेट्री। नाउ व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री को याद करने के कुछ तरीके बता रही हूं, सब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले सब अपनी एनसीईआरटी में कुछ तीन डायग्राम बनाएंगे। एवरीबॉडी मेक थ्री डायग्राम्स इन योर एनसीईआरटी, जल्दी से तीन डायग्राम बना लो अपनी एनसीईआरटी में, जल्दी से, फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो भाई, हंसना मत डायग्राम पे, मैं पहले ही बता रही हूं, जो हंसा वो पिटा मैं ही हंसी सबसे पहले। चलो यहां पे तीन डायग्राम बनाए सबने,
लेट्स टेक दिस फर्स्ट एनिमल, सेकेंड एनिमल, थर्ड एनिमल. आप देखो सिमेट्री होता क्या है, आप एक बॉडी को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो उसे कहते हैं सिमेट्री. ठीक है, क्या कहते हैं उसे? सिमेट्री. तो सबसे पहले हम ए सिमेट्रिकल देखते हैं. एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डिवाइड डज नॉट डिवाइड देम इंटू टू इक्वल हाफ. यही एनसीईआरटी लिखती है. अब एनसीईआरटी की इस लाइन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये पहली बॉडी, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है. अगर इसे सेंटर से डिवाइड करोगे ऐसे, ऐसे या ऐसे, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, कभी दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे. तो यानी कि अगर सेंटर से पास की गई लाइन प्लेन अगर बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल. क्या बोलते हैं उसे? एसिमेट्रिकल. ठीक है, देन नेक्स्ट आप देखो रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री को समझने के लिए बेस्ट फिगर है आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल. क्या है? सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल. कैन यू सी दिस? दिस इज मोर लाइक अ सर्कल. अगर इस सर्कल को मैंने ऐसे कट किया, इफ आई कट द सर्कल लाइक दिस, दो इक्वल हाफ मिलेंगे. अगर ऐसे कट किया तो भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे, ऐसे कट किया तो भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे. तो यानी कि व्हाट एनसीईआरटी राइट, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन अगर सेंटर से पास करेगा तो हमेशा बॉडी के टू इक्वल हाफ मिलेंगे. कितने हाफ्स मिलेंगे? हमेशा टू इक्वल हाफ मिलेंगे. ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट है ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. सिर्फ एक प्लेन से ही बॉडी के दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं. लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस को सिर्फ इस एंगल पे कट करोगे तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, वरना दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे. सो सच अ सिमेट्री इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री. तो एसिमेट्रिकल, किसी भी प्लेन से कट करो कभी दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे. रेडियल सिमेट्री, किसी भी सेंट्रल एक्सिस पे किसी भी प्लेन पे कट करो हमेशा दो इक्वल हाफ मिलेंगे. थर्ड बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक प्लेन पे कट करने पे दो इक्वल हाफ मिलेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में यहां से आता है, एकाइनोडर्म्स. अब तो बच्चा जल्दी से जवाब दे दो, एकाइनोडर्म्स के लार्वा में कौन सी सिमेट्री होती है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. यस, वेटिंग फॉर द आंसर, क्विक. बायलेटरल सिमेट्री, क्या बात है, ये है विश्वेश्वरे. बेटा थोड़ा नाम टफ है. डॉक्टर सिद्रा, वेरी गुड, वेरी गुड सिद्रा. एकाइनोडर्म्स के लार्वा में होती है बायलेटरल सिमेट्री, जबकि इनके एडल्ट्स में होती है रेडियल सिमेट्री. ये क्वेश्चन चार बार पूछा जा चुका है अभी तक नीट एग्जाम में. फटाफट से अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, राइट दिस इन योर एनसीईआरटी क्विकली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. बॉर्ड को स्प्लिट करो मतलब निकालो. डिप्लो माने टू, दो जर्म ले. ट्रिप्लो माने थ्री जर्म ले. ये दो जर्म ले, ये तीन जर्म ले. तो डिप्लो में दो जर्म ले कौन सी? बाहर वाली, अंदर वाली, यानी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो बीच में क्या है? फिर बीच में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? डिप्लोब्लास्टिक में अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो बीच में क्या है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. तो बीच में क्या है? नॉन डिफरेंशिएटेड लेयर, जेली लाइक लेयर. नाम कोई बता ही नहीं रहा, जल्दी से रिविजन चल रहा है. यस, मीजोग्लिया. क्या बात है मेरे औसम बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया. व्हाट डू यू कॉल दैट? मीजोग्लिया. बिल्कुल सही. तो डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोग्लिया, एंडोडर्म. ठीक है, वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में यहीं पे एनसीईआरटी में लिखो टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा. ठीक है, सीसीडी. व्हाट इज अ ट्रिक टू रिमेंबर सीसीडी? कॉफी कैफे कॉफी डे. कैफे कॉफी डे, यानी कि डी माने डिप्लोब्लास्टिक, सी माने सिलेंट्रेटा, सी माने टीनोफोरा. सो ट्रिक टू रिमेंबर इज सीसीडी. याद रखना इस चीज को. फिर उसके बाद जितने भी आपके फाइलम्स होंगे वो सब क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लैटी हेलमिंथिस. ठीक है, सो ये देखो अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया हमने कवर कर लिया. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सीलोम. नाउ व्हाट इज दिस सीलोम? दिस इज कॉल्ड एज कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी. अब देखो यहां पे क्या लिखती है एनसीईआरटी. सबसे पहली चीज, कैविटी होने के क्या क्या फायदे हैं? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कैविटी? इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना बच्चा तुम्हारे साथ कि किसी ने मुक्का मारा और वहां से किडनी बाहर निकल गई? हाँ मुकेश, मुकेश जरा मैम को बताओ तो. ऐसा तो नहीं हुआ मुकेश कभी कि किसी ने मुक्का मारा और किडनी पीछे से निकल गई बाहर? शरद, ऐसा तो नहीं हुआ? बिल्कुल सही. तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो कैविटी करती है वो है शॉक एब्जॉर्बर. क्या काम करती है कैविटी? शॉक एब्जॉर्बर.
वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। दूसरी चीज, बड़े बड़े ऑर्गन्स को अकोमोडेट करती है, बड़े बड़े ऑर्गन्स को अकोमोडेट करती है। तो ये तो दो फंक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द टाइप ऑफ सिलोम इन द एनिमल किंगडम आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट सिलोमेट्स और यू सिलोमेट्स, स्यूडो सिलोमेट्स एंड ए सिलोमेट्स। नाम को तोड़ो मतलब निकालो। ए माने एबसेंट, वहीं पे लिखो अपनी एनसीईआरटी में, ए माने एबसेंट, सिलोमेट्स माने सिलोम, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें सिलोम है ही नहीं। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, टू डी एनिमल्स। क्या तरीका है इसको याद करने का, टू डी एनिमल्स, दे आर टू डायमेंशनल, दे आर नॉट थ्री डायमेंशनल, क्योंकि कैविटी नहीं है इसके माफिक। देखो फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स कौन से होते हैं, प्लैटी हेलमिंथस, सो दे आर टू डी और फ्लैटवर्म्स बिकॉज दे डोंट हैव कैविटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्यूडो, स्यूडो माने फॉल्स, लिखो अपनी एनसीईआरटी में, स्यूडो माने फॉल्स, दे हैव फॉल्स सीलोम, इनके पास फॉल्स सीलोम होती है। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एस्कलमिंथस, ओनली एग्जाम्पल इज एस्कलमिंथस। यहाँ पे पाउचेज ऑफ मीजोडर्म होते हैं, लिख लो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा उसमें पाउचेज ऑफ मीजोडर्म जरूर होगा, जिससे आप पहचान कौन कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, पहचान कौन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिलोमेट्स, नाउ सिलोमेट्स दैट इज ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम क्यों है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग दोनों तरफ एक ऑर्गन मीजोडर्म से सराउंडेड होता है, यहाँ एक्टोडर्म यहाँ एंडोडर्म, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिलोमेट। Eucilomate, true cilom, which starts from annelida, which start from annelida. तो arrangement क्या होगा, ecto, meso, meso, endo. बीच में होगा organ. जब organ दोनों तरफ से surrounded होता है mesoderm से, तो उसे कहते हैं true cilom. Getting it everyone? Yes, बिल्कुल. Now next, segmentation. आहा आहा आहा. बेटा segmentation से last year question आया था या नहीं आया था, जल्दी से जी स्क्वायर को बताओ चैट बॉक्स में. लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, बिल्कुल आया था। सेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो, 5-17 टॉपिक कहते हैं, 5-17 टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नीट एग्जाम में। सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी कहते हैं, और हर एक सेगमेंट को मेटामियर कह सकते हैं या फिर सोमाइट भी कह सकते हैं, यानी कि फिनोमिना का नाम है सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, और हर एक सेगमेंट को बोलते हैं सोमाइट, सेगमेंट और मेटामियर। तो सेगमेंटेशन होता क्या है, एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, जो बाहर से दिखता है अगर वो अंदर भी वैसा हो तो उसे कहते हैं सेगमेंटेशन। बोलो मैम के साथ, जो बाहर से दिखेगा वैसा ही वो अगर अंदर भी होगा तभी उसे बोलेंगे सेगमेंटेशन। सो व्हाट इज हियर, अगर बाहर मुझे 100 सेगमेंट दिख रहे हैं बॉडी में तो अंदर भी कितने होने चाहिए, 100 सेगमेंट। तो यानी एक्सटर्नली जितने सेगमेंट दिख रहे हैं इंटरनली भी उतने ही सेगमेंट होने चाहिए, तभी आप उसे ट्रू सेगमेंटेशन बोलोगे, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म में अगर बाहर 120 दिख रहे हैं तो बॉडी को अगर खोलोगे तब भी 120 ही दिखेंगे, ठीक है। या फिर कम से कम कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए, जैसे कि कॉर्डेट्स में होता है वर्टिब्री, लिख लो वहीं पे जो जो मैं लिख रही हूँ सब लिख लो, थोरैसिक वर्टिब्री, कितनी होती है थोरैसिक वर्टिब्री, यस संप्रिता हर्षदा टेल मी इन द चैट बॉक्स कितनी होती है थोरैसिक वर्टिब्री, हाउ मेनी वर्टिब्री आर देयर, अंकिता किसी ने अभी तक मुझे नहीं बताया कितनी थोरैसिक वर्टिब्री होती है, 12, दिव्या जैन हैज गिवन द फर्स्ट आंसर, वेरी गुड दिव्या, 12 होती है थोरैसिक वर्टिब्री। व्हाट इज दिस रिपीटेशन, क्या होता है ये, रिपीटेशन ही तो है। तो अगर सीरियल रिपीटेशन है किसी ऑर्गन का, यू कॉल इट सेगमेंटेशन, लाइक इन अस कॉर्डेट्स थोरैसिक वर्टिब्री, वी हैव 12 इन नंबर, ठीक है। और जब अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो जितने सेगमेंट्स बाहर है उतने ही अंदर होते हैं। तो इसके 3 एग्जाम्पल्स है जो आपको यहीं पे लिखने हैं, फर्स्ट एनालिडा, देन यू हैव आर्थ्रोपोडा एंड द लास्ट इज कॉर्डेटा, एंड लास्ट इज कॉर्डेटा। यही 3 फाइलम्स है, यही 3 फाइलम्स है जो सेगमेंटेशन शो करते हैं। देन वी हैव नोटोकॉर्ड, ओ माय गॉड नोटोकॉर्ड, इसको तो मैं एक बढ़िया तरीके से बताती हूँ तुम्हें। नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड जिसके पास नहीं है, फर्स्ट थिंग वहीं पे लिखो अपनी एनसीईआरटी में, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है
उसे क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स. क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, जिनके पास है, जिनके पास नोटोकॉर्ड है उन्हें क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स. क्या बोलेंगे उन्हें? कॉर्डेट्स. अब यहां पे दो सवाल उठते हैं. उसके पास नोटोकॉर्ड तो है बट वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई है, यानी कि एनिमल के पास सिर्फ नोटोकॉर्ड है, ठीक है, बट वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई. वहीं दूसरे एनिमल्स है जिनके पास ये किस में मॉडिफाई हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम में. तो इन एनिमल्स को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स. और इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स बट नॉट वर्टिब्रेट्स. तो इन सब को मिला के हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स. इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. सो द कॉर्डेट्स विच हैव नोटोकॉर्ड बट नॉट वर्टिब्रल कॉलम विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट. विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये पता ही नहीं होता है. सो पहली चीज, नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, रॉड लाइक होती है, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है? डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में है. कितना वर्टिब्रल कॉलम? वन होता है, ठीक है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबके पास होता है बट कुछ में चेंज हो जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में. ऐसे एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. हम किस में आते हैं? यस बच्चा, हम किस में आते हैं? मुकेश, विजयपाल, संप्रिता, हम किस में आते हैं? जूक बॉक्स, एपीएस, ये कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग. अहमद, हम आते हैं कॉर्डेट्स में. बिल्कुल सही. हर्ष जाट, बिल्कुल सही. क्या बात है, क्या बात है. नाउ दिस इज अ फ्लो चार्ट फ्रॉम एनिमल किंगडम गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एनिमेलिया. ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन. मल्टी सेलुलरिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है इन एनिमल किंगडम. हर एक एनिमल मल्टी सेलुलर होता है, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल. सेलुलर में सिर्फ पॉरीफेरा आता है, जबकि टिश्यू में यू हैव रेडियल बायलेटरल सिमेट्री. रेडियल किस में होती थी? यस, सीसीडी, यानी सिलेंट्रेटा टीनोफोरा विद डिप्लोब्लास्टिक. ओके, बायलेटरल सिमेट्री विद फॉल्सिलोम एस्कलमेंथिस, विद नो सिलोम प्लैटीहेलमेंथिस, विद ट्रू सिलोम यू हैव एनालिटा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनो हेमी एंड कॉर्डेट्स. ठीक है, हेमी कॉर्डेट्स. कैन यू टेल मी, हेमी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड तो नहीं होती, फिर कौन सी कॉर्ड होती है? नीट बॉम्बर क्वेश्चन. हेमीकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नक्को होती, नक्को होती नोटोकॉर्ड, तो फिर क्या होती? यस मेरे बच्चों, यस मेरे बच्चों, बताओ जरा. स्टोमोकॉर्ड, गयम, श्रीलेखा, वेरी गुड. मोहम्मद, वेरी गुड. क्या बात है यार, खुश कर देता बिल्कुल. इसमें होती है स्टोमोकॉर्ड, लिख लो यहीं पे एनसीईआरटी में. और स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल. क्या होता है ओरिजिन? एक्टोडर्मल. लिख लो एनसीईआरटी में फटाफट से, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द फाइलम पॉरीफेरा. अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, बिल्कुल उठा के. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वापस आ जाओ इन ब्लैक ब्लैक वर्ड्स पे, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स से क्वेश्चन हमेशा बनता है. लाइक क्वानोसाइट, 2017 का क्वेश्चन बिल्कुल क्वानोसाइट पे उठा के आया था. तो यहाँ पे कुछ चीजें बता रही हूँ. ऑस्टिया, वाटर केनाल सिस्टम के आउटसाइड ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया. आउटसाइड ओपनिंग ऑफ वाटर केनाल सिस्टम, वहीं पे लिखो मैनी. बहुत सारी ओपनिंग्स होती है बॉडी के अंदर जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया. ठीक है, ये पानी एक कैविटी के अंदर आता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील. द सेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील. ऑस्क्युलम, जहां से पानी बाहर जाता है, आउट फ्रॉम द बॉडी, आउट फ्रॉम द बॉडी. और इसकी ओपनिंग कितनी होती है? इट इज अ सिंगल ओपनिंग, इट इज अ सिंगल ओपनिंग. ये सिर्फ एक ओपनिंग होती है. तो पानी बॉडी में आएगा बहुत सारी ओपनिंग से जिसे हम कहेंगे ऑस्टिया. बीच में जाएगा स्पॉन्जोसील के अंदर पानी, फिर वो सारा पानी बाहर निकलेगा एक सिंगल ओपनिंग से जिसे हम कहेंगे ऑस्क्युलम. सब बॉटल को देखेंगे, एवरीबडी कैन सी द बॉटल. ये बॉटल देख पा रहे हैं सब? तो ये देखो ऐसे ही दिखता है स्पॉन्ज, ऐसे ही होता है स्पॉन्ज. एग्जैक्टली, बॉडी ऐसी है. ठीक है, तो मान लो कि इस बॉटल में बहुत सारे क्या है, होल्स है. इन सारे होल्स को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिया.
बीच की जो कैविटी है जिसके अंदर पानी दिख रहा है उसे बोलेंगे स्पॉन्जोसील। अब ये सारा पानी बाहर निकलेगा एक सिंगल ओपनिंग से, इसे बोलेंगे ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे इसे? ऑस्कुलम। वेरी गुड। तो ऐसी होती है बॉडी किसकी? आपके स्पॉन्जेस की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वानोसाइट्स। इस पानी को बाहर निकालने वाले सेल्स कौन से? क्वानोसाइट्स। ये अंदर की तरफ होते हैं। अगर आप इसको देखो तो क्वानोसाइट्स बॉडी के अंदर की तरफ होंगे जहां पे पानी है, ठीक है। क्वानोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड सेल्स। ये क्वेश्चन था नीट का, कौन से सेल्स होते हैं? एवरीबडी हु इज गोइंग टू टेल मी द फर्स्ट आंसर हियर? क्वानोसाइट्स। पानी पानी, यस। क्या होते हैं भाई? फ्लैजिलेटेड सिलिएटेड। सिद्रा, मुस्कान, यस्मीन, सोमनाथ, सायरा, फ्लैजिलेटेड। मल्लिका, वेरी गुड। वहीं पे लिखो क्वानोसाइट्स के नीचे कि ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया था नीट एग्जाम में, ठीक है। प्लस इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स होते हैं। स्पिक्यूल कैल्शियम से बने होते हैं। दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट्स, यानी कि एक ही बॉडी में नर भी मिलेगा मादा भी मिलेगी। एक ही बॉडी में नर भी मिलेगा मादा भी मिलेगी, उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कैसे? बाय फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। वहीं पे ऐड करो रीजनरेशन, जस्ट ऐड देयर इन योर एनसीईआरटी रीजनरेशन। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? यहाँ पे होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे कमाल की बात क्या है? यहाँ पे होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब मेरे से मुकेश पूछेगा, मैम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? ये तो हिल नहीं पाते अपनी जगह से। इसलिए होती है कि ये जो है स्पॉन्ज, ये मेल गैमीट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, शुक्राणु कहते हैं उसे हिंदी में। ये मेल गैमीट शुक्राणु बनाएगा, शुक्राणु पानी के माध्यम से दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में जाएगा, ठीक है। द स्पर्म विल एंटर इन टू द बॉडी ऑफ अनदर स्पॉन्ज एंड दैट पर्टिकुलर स्पॉन्ज विल हैव मस्ट हैव प्रिपेयर्ड ओवा। तो यहाँ ओवा इंतजार कर रहा है, कौन आएगा? स्पर्म आएगा उसे फर्टिलाइज करने के लिए। सो स्पर्म एंटर्स इनटू द बॉडी टू फर्टिलाइज ओवा, दैट्स व्हाई इट शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट होती है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस, बिल्कुल। इनके पास क्या होती है? लार्वल स्टेजेस होती है। नेक्स्ट वी आर सिलेंट्रेटा। नाउ व्हाई सिलेंट्रेटा कॉल्ड निडेरियंस? कौन बच्चा मुझे सबसे पहली चीज बताएगा क्यों हम सिलेंट्रेटा यानी निडेरियंस बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल देम निडेरियंस? बिकॉज दे हैव नीडो ब्लास्ट। यहीं पे लिखो जल्दी से, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? नीडो ब्लास्ट। जल्दी से लिखो, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द एनसीईआरटी यू हैव टू राइट द सेम थिंग। नीडो ब्लास्ट क्या क्या काम होते हैं नीडो ब्लास्ट के? जल्दी से लिखते हैं। पहला काम एंकरेज, चिपकने का काम। दूसरा काम ऑफेंस, बचाने का, डिफेंस, ठीक है। कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने का भी काम होता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ये सारे काम किसके? नीडोब्लास्ट के। तभी इन्हें क्या कहते हैं? निडेरियंस। पहली चीज तो हमने यही निकाली कि इन्हें क्यों निडेरियंस बोलते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये लाइन भी लिखी है एनसीईआरटी ने, द नेम निडेरियंस डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट आल्सो कॉल्ड एज नीडोसाइट्स व्हिच आर स्टिंगिंग कैप्सूल। इनके अंदर जहर भरा होता है। क्या भरा होता है? जहर भरा होता है, जिससे ये अपने प्रे को क्या कर देते हैं? पैरालाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पैरालाइज कर देते हैं, ठीक है। नाउ निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक, ये हमने पढ़ लिया। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या मतलब है गैस्ट्रोवास्कुलर? गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन का काम करेगा कैविटी, वैस्कुलर मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करेगा। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विच इज कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन। क्या कहते हैं कैविटी को? सिलेंट्रॉन। लिखो वहीं पे, विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम। वहां पे ओपनिंग का नाम था ऑस्कुलम, यहाँ पे ओपनिंग का नाम है हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होगी, यानी सेल के बाहर भी होगी डाइजेशन, सेल के अंदर भी होगी डाइजेशन। सम निडेरियंस आर कॉल्ड कोरल्स। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं मरने के बाद पीछे कैल्शियम का ढांचा छोड़ जाते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? मरने के बाद ये पीछे कैल्शियम का ढांचा छोड़ जाते हैं, उस ढांचे को हम बोलते हैं कोरल्स, जिसके अंदर फिर एल्गी ग्रो करती है। बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है जब आप इसे देखते हैं, ठीक है। देन यू हैव पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप इज सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये लो भाई बन गया सिलेंड्रिकल, दिस इज पॉलिप। एंड अम्ब्रेला शेप को हम बोलते हैं मेड्यूसा। तो पॉलिप तो अपनी जगह पे चिपका रहता है जबकि मेड्यूसा घूमती रहती है, घूमती रहती है। सो मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग, पॉलिप इज सिसाइल।
पॉलिप इज सिसाइल, वो अपनी जगह पे चिपका रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा, मेड्यूसा घूमती रहेगी और साथ के साथ ये क्या होगा, दिस इज रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा मेड्यूसा, तो पॉलिप यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सिसाइल एनिमल सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये हमने कर लिया। नाउ ओनली एनिमल विच इज कंप्लीटली पॉलिप फॉर्म इज हाइड्रा। हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, लिखो सामने, हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, ठीक है। ओरेलिया विच इज जेलीफिश, जेलीफिश चमकती या नहीं चमकती बताओ चैट बॉक्स में। यस संप्रदा, जेलीफिश चमकती या नहीं चमकती, चमकी, यस चमकी या नहीं चमकी। रमेश, प्रमोद, देवांशी, चमकती या नहीं चमकती, यस बसंती बिल्कुल सही, चमकती है जेलीफिश, तो चमकती है। और इस फिनोमिना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। सो दोस निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक ही एनिमल की लाइफ साइकिल में अगर मेड्यूसा फॉर्म भी है, पॉलिप फॉर्म भी है, तो उसे बोलेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। दैट इज योर ओबिलिया, which you see in obelia, तो obelia में medusa form भी होगा और polyp form भी होगा। example, physalia, portuguese man of war, adamsia, sea anemone, penetula, pen से याद रखो, sea pen, gorgonia, sea fan, meandrina, mean माने brain, दिमाग ही होता है जो मतलब ही होता है, meandrina, brain coral, ठीक है। next, tinophora, tinophora exclusively marine, everybody has to write this in their NCRT, it is exclusively marine, exclusively marine होता है, क्या मतलब exclusively marine का मुकेश? Yes राजश्री, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे animals सिर्फ marine water में मिलेंगे, कभी fresh water में नहीं मिलेंगे। So tinophores are exclusively marine, you find only in the sea water, never in the fresh water. They are also called as sea walnut, क्योंकि अखरोट जैसे दिखते हैं, comb jellies, they are marine, see यहीं पे लिखा exclusively marine, यही शब्द छोड़ देते हो तुम NCERT के, जिससे question बना देता है neat. They are radially symmetrical, diploblastic, and the body bears 8 external rows of ciliated comb plates. हमने पॉरीफेरम में फ्लैजिला पढ़ा था, यहाँ पे ciliated, जल्दी से सब आमला बनाएंगे अपनी नोटबुक में, yes. आमला बनाया, आमला के ऊपर 8 सफेद रंग की धारियां बना लो, 8 सफेद रंग की धारियां बनाओ, हर धारी के ऊपर क्या लगाओ, सीलिया। सो ये क्या हो गई, बाहर की तरफ दिख रही है एक्सटर्नल, कितनी है 8, क्या लगा हुआ है, सीलिया। हर एक एनिमल इज बायोल्यूमिनेसेंट, यानी कि चमकता है, हर एक एनिमल चमकता है, दे ऑल आर बायोल्यूमिनेसेंट, क्या चमकते हैं। कोई जापान अगर गया है तो जापान के कोस्ट पे अगर आप जाओ तो रात में इतना सुंदर नजारा होता है कि आप कहोगे यार स्वर्ग है तो यही स्वर्ग है, इतना सुंदर। ओके, रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, दैट मीन्स देर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, द एग्जाम्पल आर प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना, राइट गाइज, एवरीबडी इज गेटिंग इट, यस बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। बच्चा देखो क्विकली हम रिवाइज कर रहे हैं, यू हैव टू बी विद मी, पानी पी लो जल्दी से, ड्रिंक वॉटर। निया, संप्रिता, संतोष, संतोष शाइन, ओके अलग अलग ही नाम है यार तुम लोग के, यस एवरीबडी ड्रिंक वॉटर, बी विद मी। प्लैटी हेलमिंथस, नाउ वॉट आर प्लैटी हेलमिंथस, दे आर 2D एनिमल्स, फ्लैट वर्म्स, 2D माने फ्लैट वर्म्स होते हैं ये, दे आर एंडो पैरासाइट, यानी ये बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल टिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट्स। हुक्स एंड सकर्स, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हुक एंड सकर, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या डिफरेंस होता है हुक एंड सकर के बीच में, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हुक एंड सकर। हुक का काम है सिर्फ पकड़ना, सकर का काम है पकड़ के क्या, खून चूसना, ठीक है। हुक का काम है सिर्फ पकड़ना, बट सकर के दो फंक्शन है, ये पकड़ के भी रखता है और साथ के साथ ब्लड को सक भी करता है। सो दैट्स व्हाई हुक ओनली फॉर अटैचमेंट, लिखो ऊपर, हुक ओनली फॉर अटैचमेंट, जबकि सकर इज फॉर अटैचमेंट प्लस टू सक द ब्लड और लिम्फ और एनीथिंग वट एवर पैरासाइट वॉन्ट्स टू टेक फ्रॉम द बॉडी। स्पेशलाइज्ड सेल्स दे हैव कॉल्ड फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स आर फॉर एक्सक्रीशन, द अदर नेम फॉर फ्लेम सेल्स आर सोलेनोसाइट्स, राइट इन योर एनसीईआरटी, द अदर नेम आर सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स के साथ इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया।
तो तीनों ही टर्म्स यूज की जा सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए. फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया. इनके दो फंक्शन होते हैं फ्लेम सेल्स के, पहला तो एक्सक्रीशन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है सॉल्ट बैलेंस इन योर बॉडी. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स दे आर हर्मोफ्रोडाइट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस. एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज अ ट्रू रीजनरेटिंग एनिमल. रिमेंबर, यस, ट्रू रीजनरेटिंग एनिमल्स, बिल्कुल. नेक्स्ट, एस्करमिंथस. एस्करमिंथस आर राउंड वर्म्स. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने एनसीईआरटी में मार्क करनी है वो है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, क्योंकि जब इनको आप कट करते हो, लेट्स टेक दिस राउंड वर्म लाइक अ पेंसिल, तो जब आप इसे कट करते हो तो ये कैसे दिखते हैं? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन दिखते हैं. कैसे दिखते हैं? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. दे कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है? मेलोडिगा एंड इनकॉग्निशिया. एनिमल्स का क्या एग्जाम्पल है? हुकवर्म एंड साइलोस्टोमा. दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्यूडोसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज मस्कुलर फैरिंग्स. मस्कुलर फैरिंग्स, दे हैव मस्कुलर फैरिंग्स टू वॉट? सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. वाई डू दे हैव मस्कुलर फैरिंग्स? टू सक the nutrition from the host. Nutrition from the host. Absolutely, सबसे important point. They are unisexual. Fertilization is internal and development is direct. The most important example is Ascaris, roundworms. Okay, Ascaris is monogenetic or digenetic? Anybody who can give me the answer? Mukesh? Anybody? मोनोजेनेटिक होता है, डायजेनेटिक होता है? यस, फेज, देवांशी, हेमंत, स्वरूप, नीलू. देखो, नीलू ने सबसे पहले आंसर दिया और बिल्कुल सही आंसर दिया. मेरा बच्चा मुकेश भी आंसर दे रहा है, वाओ मुकेश. यस, अनुभूति, बिल्कुल सही. क्या बात है, मजा आ गया देख के. जो आपके एस्कैरिस होते हैं ये होते हैं मोनोजेनेटिक. क्या होता है? मोनोजेनेटिक, यानी इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में चलती है. जबकि आप वुचेरियल लोगे तो दिस इज डायजेनेटिक. इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में चलती है, एक तो क्यूलेक्स में चलती है और दूसरी ह्यूमंस में चलती है, लिम्फैटिक ऑर्गन में. ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम में. वेरी गुड. नेक्स्ट, एनेलिडा. नाउ एनेलिडा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनेलिडा इज दे आर सेगमेंटेड एनिमल्स. फॉर द फर्स्ट टाइम यू सी हियर इज सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स एंड मेटामियर्स. नाउ द क्वेश्चन ऑफ नीट. नीट का एक क्वेश्चन, पैरापोडिया. पैरापोडिया किस में मिलते हैं? नेरीस में. किस में मिलते हैं? नेरीस. और नेरीस में पैरापोडिया क्या करता है? दो फंक्शन करता है. एक तो स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है पैरापोडिया. उसी के साथ साथ ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. तो पैरापोडिया के बारे में दोनों पॉइंट्स लिख लो. ये नेरीस में मिलता है. नेरीस क्या है? आपका एक एनेलिडा है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, सॉरी मरीन वाटर में मिलता है. ओके, मरीन वाटर में मिलता है. स्विमिंग और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करते हैं आपके पैरापोडिया. देन यू हैव नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया आर फॉर एक्सक्रीशन. दिस इज फॉर एक्सक्रीशन. दे हैव पेयर्ड गैंग्लिया एज देयर नर्वस सिस्टम. सारे के सारे जनरली क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर नेरीस. नेरीस क्या होता है? यूनिसेक्सुअल. लिखो, सब लिखो. नेरीस क्या है? यूनिसेक्सुअल होता है. जबकि अर्थवर्म भी हर्माफ्रोडाइट और लीचेस भी हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं. लीचेस के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? यस, लीचेस के सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है बच्चा? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? लीचेस के सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है हिरुडिन, विच इज एंटी क्वागुलेंट, जो सक करने में हेल्प करता है ब्लड को. नेक्स्ट वी हैव आर्थ्रोपोडा. सबसे पहली चीज, इट इज लार्जेस्ट फाइलम. सबसे बड़ा फाइलम होता है. बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन. प्लस अगर कॉकरोच को कभी देखा है या दीवार पे कभी चिपकाया है तो पता होगा कि उसकी स्किन पे एक काइटिन का कोट होता है, विच इज कॉल्ड एज काइटिनस एक्सोस्केलेटन. क्या होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन. ठीक है, अगर आर्थ्रोपोड पानी में रह रहा है तो रेस्पिरेशन वो करेगा गिल से. ठीक है, अगर वो स्कॉर्पियन है या आपका स्पाइडर्स है तो वो करेगा आपके बुक लंग से. अगर कॉकरोच है यानी इंसेक्ट है तो करेगा ट्रेकियल सिस्टम से. ठीक है, लिमुलस यानी कि लिविंग फॉसिल है तो करेगा बुक गिल से.
एक्सक्रीशन इंसेक्ट्स में होता है थ्रू मैल्फीजियन टिब्यूल्स, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट, बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट, बिल्कुल सही. नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दे आर मोस्टली ओवीपैरस, यानी अंडे देते हैं ये, ठीक है, नॉट गिविंग बर्थ टू यंग वंस. वी हैव एपिस, बॉम्बिक्स, लैसिफर, ये सब तो ऐसे इंसेक्ट है जो आपको फायदा ही देके जाते हैं. कोई हनी दे रहा है, कोई सिल्क दे रहा है, कोई लैक दे रहा है. लैक से वो चूड़ियां बनती है ना, खनक खन चूड़िया खनक गई सुन साजना, ओके ऐसा कुछ होता है, ठीक है. वेक्टर्स, ये तबाही मचाने वाले हैं, लाइक एनोफिलीज फॉर मलेरिया, क्यूलेक्स फॉर विचेरिया फिलेरियासिस, एडीज फॉर डेंगी एंड चिकनगुनिया, ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस क्या होते हैं, झुंड में आएंगे तबाही मचा के जाएंगे. फिर से बोलो मैम के साथ, ग्रिगेरियस कौन होते हैं, झुंड में आएंगे और तबाही मचा के जाएंगे, झुंड में आएंगे तबाही मचा के जाएंगे, बिल्कुल सही. तो उसका एग्जाम्पल है लोकस्ट, देन यू हैव लिविंग फॉसिल लिमुलस यानी किंग क्रैब, नेक्स्ट यू हैव मोलस्का. मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. अब देखो बॉडी को याद कैसे करना है, सबसे पहली चीज बॉडी में हेड है, हेड बनाओ. यू हैव मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट बनाओ, ठीक है, एंड यू हैव विसरल हम्प, हम्प बना लो, बस चलो बन गया मॉलस्क. ऐसा सा कुछ मॉलस्क बना लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है. हेड के पास क्या है, टेंटिकल्स होते हैं, और मस्कुलर, अगर ये पूरा विसरल हम्प देखे तो ये हम्प यहाँ पे जहाँ पे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये है आपका मैंटल, ये आपका मैंटल दैट इज योर कवरिंग, इसके ऊपर होता है शेल. तो ये मैंटल और ये विसरल हम्प के बीच की जो कैविटी है इसे कहते हैं मैंटल कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स. इन फेदर लाइक गिल्स को हम क्या बोलते हैं, टिनिडियास. लिखो इसके ऊपर, इन्हें क्या बोलते हैं, टिनिडिया. और टिनिडिया के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सक्रीशन, तो दूसरा होता है रेस्पिरेशन. एक होता है एक्सक्रीशन, तो दूसरा होता है फंक्शन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सॉफ्ट बॉडी होते हैं, ठीक है. देन यू हैव रेडुला. रेडुला पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में लास्ट ईयर ही. रेडुला क्या है, माउथ में होते हैं, दांत की जगह रेडुला. बोलो मैम के साथ, एवरीबडी से दिस अलोंग विद मैम, दांत, दांत के साथ क्या होते हैं, दांत की जगह इनके पास होते हैं रेडुला, ठीक है. तो यानी ये क्या काम करेगा, होल्डिंग ऑफ प्रे का काम करेगा. क्या काम करेगा, होल्डिंग ऑफ प्रे का काम करेगा, ठीक है. सो दीज आर रैस्पिंग ऑर्गन्स, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन. तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पाइला, पिनक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर, मोती मोती मोती, सीपिया, कटल फिश, वेरी इंपॉर्टेंट. इस एग्जाम्पल के ऊपर 5 स्टार लगाएंगे, एवरीबडी विल पुट 5 स्टार, 5 सितारा टॉपिक है ये, बिल्कुल. देन यू हैव ऑक्टोपस, डेविल फिश, ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्लीशिया, कीटोप्लूरा, डेंटेलियम, लॉलीगो विच इज अ स्क्विड. नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क, इन सब में से ऐसा कौन सा मॉलस्क है जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मॉलस्क है जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेटिंग फॉर द आंसर. यस, ये महिला जी स्क्वायर कहां से आ रहा है भाई, आई एम जी स्क्वायर, नो वन कैन टेक माई टाइटल फ्रॉम मी, आई एम जी स्क्वायर. यस, झुंड में आते हैं ये, देखो अशोक ने बनाना भी शुरू कर दिया, मेरे बच्चों तुम नलायक को होते जा रहे हो. यस, लेट मी सी द फर्स्ट आंसर, किसके पास होता है, ऑक्टोपस, एब्सोल्यूटली. सो ऑक्टोपस इज एन एग्जाम्पल विच विल हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. लिख लो वहीं पे बच्चा, ये सब चीजें वहीं पे लिख लो अपनी एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया बट क्वेश्चन नीट में आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एकाइनोडर्मेटा. भाई कुछ चीजें बता रही हूँ, सबसे सिंपलेस्ट है, वही चीज आएगी इससे. एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, लिखो जल्दी से, एक्सक्लूसिवली मरीन. वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली मरीन, इसका मतलब है कि सारे के सारे एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में रहेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं रहेंगे, ठीक है. पानी से याद आया, थोड़ा जल सेवन कर लिया जाए. यस, नेक्स्ट वी हैव, दे हैव स्पाइनी बॉडी, मतलब कि बॉडी पे स्पिक्यूल्स होते हैं. इनके पास बेटा कोई सिस्टम नहीं होता एक्सेप्ट फॉर वन सिस्टम जिसका नाम है वाटर वैस्कुलर सिस्टम. इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम के सामने इसके फंक्शन लिखो. सबसे पहले लोकोमोशन में हेल्प करेगा. कैसे लोकोमोशन में हेल्प करेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट. किसकी सहायता से काम करेगा ये, ट्यूब फीट की, ठीक है. सेकेंड फंक्शन एक्सक्रीशन भी यही करेगा, सर्कुलेशन भी यही करेगा,
सारे फंक्शन यही करेगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम. एंड प्रे को पकड़ के भी यही लाएगा, खाने को भी पकड़ के यही लाएगा, कैप्चरिंग ऑफ प्रे भी यही करेगा, ठीक है. देन दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है अगर ये स्टार फिश, अपने हाथ को समझो स्टार फिश. एवरीबडी टेक आउट योर हैंड्स, एवरीबडी टेक आउट योर हैंड्स. तो यहां पे क्या है, दिस इज योर वेंट्रल साइड, दिस इज योर डॉर्सल साइड, ठीक है. तो यहां पे होगा माउथ, तो यहां पे होगा एनस. देखो स्टार फिश, एवरीबडी टेक आउट योर हैंड, ढ ढ ढ ढ ढ. यहां पे होगा माउथ विच इज योर वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड पे होगा एनस. क्या होगा डॉर्सल साइड पे? एनस. तो यहां पे देखो लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ ऑन वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन डॉर्सल साइड. तो याद करने का तरीका क्या है, बस अपने हाथ को ले आओ और इसे स्टार फिश मान लो, क्योंकि पांच फिंगर्स है ना, स्टार फिश मान लो, ठीक है. सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. Asteria starfish, Echinus sea urchin, Antidon sea lily, Cucumeria sea cucumber, Ophiora that is brittle star. इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इकाइनोडर्म में. Yes. So we have hemichordates. Hemi माने बीच के. Hemi माने yes. Neither they are chordates, neither they are non-chordates. ठीक है. So सबसे पहली चीज़, इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है into proboscis, collar, trunk. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, इनके पास होती है स्टोमोकॉर्ड. क्या होती है? स्टोमोकॉर्ड. जो ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल. द ओरिजिन इज एक्टोडर्मल, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबने मार्क करनी है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप एंड दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड फॉर एक्सक्रीशन दे हैव प्रोबोसिस ग्लैंड, जो प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है सबसे ऊपर वाले पार्ट में. विच व्हाट इज अ फंक्शन? एक्सक्रीशन इज अ फंक्शन. डेवलपमेंट क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने हाईलाइट करने हैं. आर यू यूजिंग द हाईलाइटर एवरीवन? यस. आर यू यूजिंग इट? मेड्रीपुराइट, यस. प्रकाश राव ने पूछा मुझसे मेड्रीपुराइट क्या होता है, मैं बताती हूँ. मेड्रीपुराइट एक प्लेट होती है काइनोडर्म से, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में, जहां से पानी उसकी बॉडी में एंटर करता है. दैट प्लेट इज कॉल्ड एज मेड्रीपुराइट. ओके, यस. ओके, फाइलम इज कॉर्डेटा. नेक्स्ट वी आर मूविंग विद कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स हैव गॉट फोर मेन फीचर्स. हाउ मेनी फीचर्स? दे हैव गॉट फोर मेन फीचर्स. सबसे पहले नोटोकॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड होगी, फैरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, टेल होगी, ठीक है. ये सारे फीचर्स किसके होंगे? आपके कॉर्डेट्स के. तो बेटा नर्व कॉर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर माय लवली स्टूडेंट्स. नर्व कॉर्ड, इफ यू टॉक अबाउट द नर्व कॉर्ड, क्या ये सिर्फ कॉर्डेट्स में होती है, नॉन कॉर्डेट्स में होती है, या दोनों में होती है? आज सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं तुमसे. यस, यस, टेल मी. यस एवरीबडी टेल मी. नर्व कॉर्ड, जो नर्व कॉर्ड होती है ये सिर्फ किस में होती है? बच्चा इट वुड बी रियली नाइस कि आप मेरा नाम छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो. मैम इज पुटिंग ऑल हर एफर्ट्स हियर. माय थ्रोट इज कम्प्लीटली गॉन. आई हैव टेकन द मेडिसिन टू टेक दिस सेशन. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज पे अटेंशन. आई नो व्हाट इज माय नेम, डू नॉट टेल मी माय नेम. मुझे पता है मेरे बच्चों तुमने ही नाम रखा है. यस, बोथ एब्सोल्युटली हार्दिक. सो बोथ में होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स इट इज वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड. इज इट सॉलिड? यस. एंड इन केस ऑफ कॉर्डेट्स इट इज ऑपोजिट, डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो. ठीक है, सो ये चीज याद रखना. प्लस फैरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉर्डेट्स. दे हैव अ टेल आल्सो एंड देयर हार्ट. अपन का दिल किस तरफ है? अपन का दिल तो वेंट्रल की तरफ है. कहा है? वेंट्रल की तरफ. एवरीबॉडी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेटा आई वांट 1100 लाइक्स ऑन माय सेशन, बिकॉज आई कैन सी मोर देन 1100, 1200 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग. दिस इज अ बिग थिंग इन अ क्लास ऑन यूट्यूब, ट्रस्ट मी. एक घंटा होने वाला है, 1200 बच्चे कांस्टेंट है. इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट व्हाट वी आर डूइंग हियर. कल हम सेल साइकिल का रिवीजन करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी. सो आई रियली वांट 1200 लाइक्स राइट नाउ. डन, थैंक यू सो मच बच्चा, क्योंकि ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा. मैम इज नॉट आस्किंग फॉर हर सेल्फ, इट्स जस्ट मैम हैज अ ड्रीम ऑफ टीच इंडिया.
which will be accomplished with the help of my students, right? Chalo, let's start. Eurochordates, also called as tunicates. Now, why eurochordates are called tunicates? Because body jo hoti hai, the soft body is present inside the test. The test is called the case. The case is made up of cellulose-like material. That's why they are called as tunicates. Cephalochordates, split the word. Cephalo, head, chordates. Means they will have notochord persistent throughout their life. Vertebrata, where notochord is modified into vertebral column. Now you have subphyla, eurochordate and cephalochordate are often referred to as protochordates. Now what is proto? Proto ke upar uska matlab likho primitive. What is the meaning? Primitive. Yani ki aise chordates hain jo purane hain. ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो पुराने हैं, ठीक है, जिसमें दो आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वा के टेल में होती है। किस में होती है? लार्वा की टेल में। बट एडल्ट में नहीं होती है, एडल्ट में नहीं होती है। जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है क्या? आपकी नोटोकॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेट, एसीडियस सैल्पा डोलियोलम। जबकि सिफेलोकॉर्डेट का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा। द ओनली एग्जाम्पल इज ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम। व्हेन द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यू कॉल देम वर्टिब्रेट्स। नाउ लेट्स कम टू दिस चार्ट। इसी चार्ट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने वाले हैं। एग्नाथा, ए माने एबसेंट, एबसेंट ऑफ जॉ। ग्नाथोस्टोमेटा, ग्नाथो मीन्स बियरिंग, दे बियर जॉ। एग्नाथा में आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, दे हैव सर्कुलर। स्टोमेटा मीन्स माउथ, सर्कुलर माउथ। पाइसेस, विच बियर फिन्स। कॉन्ड्रिक्थीस, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, दे आर कार्टिलेज फिशेस। ऑस्टिक्थीस, ऑस्टि मीन्स बोनी फिश। टेट्रापोड्स, चार लिम्स, दे हैव फोर लिम्स। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। साइक्लोस्टोमेटा, सबसे पहले ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपैरासाइट्स। क्या होते हैं सबके सब? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। देखो ये पहला वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो एनसीईआरटी में। इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, कितने? 16 टू 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। दे हैव सर्कुलर माउथ विच हेल्प्स इन द पैरासिटिक एक्शन, दैट इज सकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाय। ओके, दे शो माइग्रेशन, दे शो माइग्रेशन। Migration is from sea water to marine water or marine water to sea water. The example are Petromyzon and Myxine. Chondrichthyes, very important. एक question यहां से पक्का आता है तो यहां पर हम लगाएंगे 5-star. Let's put 5-star here because the question is always coming from this section. Okay? So all the fishes are cartilaginous. And they have notochord persistent. Very important line. Please put this as highlighter line. They have operculum. Operculum means they do not have operculum. Without operculum, gills ki koi covering nahi hoti hai. Aur jo body pe scales hote hai, wo plecoid scales hote hai. Yehi scales modify ho jate hai to become teeth. Yehi scales modify hote hai to become teeth. And they don't have air bladder. इनके पास air bladder नहीं होता है, इसलिए इन्हें हमेशा swim करना होता है। Therefore, they have to swim constantly as to avoid sinking. मछली भी डूब सकती है मेरे लाल, मेरे बच्चों, मछली भी डूब सकती है, तो इसलिए उसे हमेशा तैरते रहना होगा, ठीक है। इनका heart two chambered होता है और कुछ फिशेस में मसल्स मॉडिफाई हो जाती है टू फॉर्म इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाइक टॉर्पीडो। कुछ में डॉर्सल फिन मॉडिफाई हो जाता है डंक मारने के लिए, पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, पॉइकिलोथर्म्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेल पेल्विक फिन बियर क्लास्पर। पेल्विक, द वर्ड पेल्विक फिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेल्विक फिन मॉडिफाई हो जाता है क्लास्पर में, विच हेल्प्स इन इनसेमिनेशन। लिखो वहीं पे, दिस क्लास्पर हेल्प इन इनसेमिनेशन। इसी इनसेमिनेशन के कारण क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स होता है, ठीक है। सो दे ऑलवेज शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनमें हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑस्टिक्थीस। सारे ऑपोजिट कैरेक्टर्स, यानी इनके पास ओपरकुलम होगा,
इनके पास एयर ब्लैडर होगा, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल होंगे, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, सब ऑपोजिट करते जाओ, वो वीवी पैरस थे तो ये ओवी पैरस होंगे, ठीक है, सब ऑपोजिट, वहां कार्टिलेज था तो यहाँ पे बोनी होगा, दैट्स इट, एक चीज याद कर लो, ऑपोजिट अपने आप याद हो जाएगा, वेरी गुड जगमीत. नेक्स्ट वी हैव एम्फीबिया. एम्फीबिया भाई मेंढक सबने देखा है, बता दो जरा मैम को, मेरे बच्चों लाइक कर दो सेशन को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मेरे बच्चों मेंढक देखा है, पकड़े, अच्छा तुम बताओ मेंढक को पकड़ा कभी किसी ने? यस, मेंढक को पकड़ा किसी ने? मैंने तो बहुत पकड़ा है. अच्छा ऋषभ कह रहे हैं मैम स्क्रॉल वाल्व क्या होता है? ये फिशेस के अंदर होता है बच्चा, इंटेस्टाइन में. यस, पकड़ा है, मैंने तो बहुत सारे मेंढक पकड़े हैं यार. शायद तभी मैं जूलॉजी की टीचर हूँ, बड़े सारे मेंढक पकड़ के रखे हुए मैंने तो, अभी नहीं पकड़ रखे, पहले पकड़ती थी जब बारिश के दिनों में होता था, मैं पहले कोटा में पढ़ाती थी, कोटा में तो मैं इतने मेंढक, इवन वहां तो टोड भी बहुत सारे होते थे, जैसी बारिश होती थी ना कम से कम 500-600 मेंढक आपको देखने को मिलते थे सड़कों पे, तो बहुत पकड़े हैं मैंने. आई जस्ट लव दिस. ओके, सो अगर मेंढक देखा है तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, कोई टेल नहीं होती है मेंढक की. आई जस्ट होप यू नो दिस मच. दे हैव आईलेट्स. आईलेट्स मतलब ये वाली, ये होती है आईलेट्स, ये आईब्रोज होती है, ठीक है, लड़कियों को तो पता ही होगा. टिम्पानम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, ओपन इनटू अ कॉमन ओपनिंग कॉल्ड क्लोएका. जब एक से ज्यादा सिस्टम एक सिंगल ओपनिंग में ओपन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोएका, ठीक है. रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स थ्रू स्किन. स्किन की रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं. दे हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. एग्जाम्पल इज बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर. इक्टियोफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पांच सितारे लगा लो सब इसके ऊपर, पांच सितारे लगा लो. सारे बच्चे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, पांच सितारे लगाओ जल्दी से इसके ऊपर. एवरीबडी इज गोइंग टू पुट 5 stars. यस, बिल्कुल, काटता नहीं है फ्रॉग, क्या काटेगा, तुम इतने बड़े हो, तुम्हें कौन काट रहा है, कोई नहीं काट रहा ह्यूमंस को. अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, एक होमवर्क दे रही हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा, देखते हो कितने बच्चे करके लाएंगे कल. इक्थियोसॉर, अच्छा ये दोनों ने एनसीईआरटी में दिए हैं. इक्थियोफिश तो आपको पता ही लगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया, इक्थियोसॉर 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया एवोल्यूशन चैप्टर में. अब मुझे बताओ इक्थियोसॉर क्या होता है, सिंस ये दोनों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, नीट के लिए सबसे ज्यादा अप्रोचिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बट एक 11th एक 12th, ठीक है. इक्थियोसॉर मुझे कौन बच्चा बताएगा, लेट मी सी. यस, पता करते हैं. देन यू हैव रेप्टाइल्स. नाउ रेप्टाइल्स, व्हाई डू यू कॉल देम रेप्टाइल्स, बिकॉज दे आर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स, ठीक है. दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, जिन्हें स्क्यूट्स भी कहते हैं. एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है इनके पास, टिम्पैनम. ओवी पैरस होते हैं एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है. अच्छा वो हिंदी में बोलते हैं ना सांप की केचुई, भाई सुना है क्या, या मैं ही एक अलग सी यहाँ पे प्रजाति हूँ जिसे मुझे ही पता है सारे शब्द. स्वरूप वो सुना है क्या, केचुई, सांप की केचुई, किस किस ने सुना है, मुझे लगा मैं ही थोड़ी अलग प्लैनेट से आई हूँ. चलो सबने सुना है, थैंक गॉड. थैंक गॉड, मुझे अच्छा लग रहा है, सांप की केचुई. अब जाके बोल मत देना कि YouTube पे जी स्क्वायर केचुई बोलती है. बिल्कुल, तो वो क्या होता है, वो स्किन कास्ट होता है. देखो हिंदी में उसे केचुई बोलते हैं, बट अंग्रेजी में उसे स्किन कास्ट बोलते हैं. क्या होता है ना, जो मोल्टिंग, बेसिकली इट इज कॉल्ड मोल्टिंग. अगर साइज बड़ा करना है एनिमल को अपना, तो वो अपना स्किन को शेड करता है पहले, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या स्किन कास्ट और केचुई. हाँ देखो बेटा, अपन तो बड़े देसी है, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत कोई 5-star टीचर हूँ, मुझे बनना भी नहीं ऐसा टीचर, मुझे ना बस बच्चों के दिलों को छूना है, अपन देसी हैं, चाहे कोई भी बदल जाए. आई एम टेलिंग यू जी स्क्वायर विल रिमेन लाइक दिस, मेरे अंदर का बचपन नहीं जा सकता. आई लव माई जॉब बिकॉज आई लव माई स्टूडेंट्स यार. मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज किया था, टीचिंग इसलिए चूज किया था, क्योंकि मुझे हमेशा बच्चों के साथ रह के हंसना था, एंड आई थिंक यू पीपल आर माई स्ट्रेंथ. सो अपन देसी है, मेरे से बड़ी बड़ी चीज एक्सपेक्ट मत करना, अपन अब तुम्हारे लेवल पे ही रहकर पढ़ा सकते हैं. यस, ठीक है, ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही जिएंगे.
अभी जिसको जो समझना है समझे, अपन तो देसी है, कंप्लीट देसी, ठीक है। सो वी हैव किलोन दैट इज टर्टल, वी हैव टेस्टुडो, कैमिलियन, एलिगेटर, क्रोकोडिलस, केलोटिस, हेमीडेक्टाइलस, वी हैव पॉइजनस स्नेक्स, नाजा 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 गाना है ना, नाजा नाजा भाई, कोबरा, बंगारस एंड वाइपेरा। यस बिल्कुल सही। तो बच्चा यही तुम लोगों का प्यार है यार, अपन इतने देसी हैं कि आज अगर तुम YouTube पे सिर्फ गरिमा डालोगे ना सर्च बॉक्स में, सीधा सबसे पहले गरिमा गोयल आएगी। यस जी स्क्वायर सबसे पहले आएगी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, ऑल बिकॉज ऑफ योर लव। सो वट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों के कारण। सो आई लव यू ऑल। यस आई लव यू ऑल। टन 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 ना। चलो अब आते एप्स पे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे हैव फेदर्स। फेदर और विंग्स में डिफरेंस होता है। फेदर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जबकि विंग्स उड़ने में सहायता करते हैं। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बेसिक चीजें बता रही हूँ। फेदर वो होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, विंग्स वो होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द हाइंड लिंब जनरली हैव स्केल्स। ये देखो, सिंस वी नो कि एप्स जो होते हैं वो किससे आते हैं, रेप्टाइल से, तो इसलिए रेप्टाइल के पास भी स्केल्स थे और एप्स के पास भी स्केल्स है उनके हाइंड लिम्स पे, ठीक है। स्किन इज ड्राई, मेरा गला बिल्कुल बैठता जा रहा है। स्किन ड्राई होती है, बट उनके पास होते हैं ऑयल ग्लैंड्स एट देयर टेल फेदर। टेल फेदर पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है। इनकी बोन्स कैसी होती है, खोखली होती है, न्यूमैटिक बोन्स होती है, जिससे वजन हल्का होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नीट का क्वेश्चन आ चुका है, क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को स्टोर करने के लिए क्रॉप होता है, खाने को तोड़ने के लिए गिजर्ड होता है। अगेन विद मी, एवरीबडी हैज टू रिपीट विद मी। यस देखो, 3100 तियासा ने जवाब भी दे दिया है। तियासा मेरी बच्ची खुश कर दिया यार मैम को। क्रॉप खाने को स्टोर करता है, गिजर्ड खाने को ग्राइंड करता है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर होम्योथर्म्स, दे आर फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। दे हैव एयर सैक्स। बेटा इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो बच्चा, 5 स्टार लगा लो, जल्दी से 5 स्टार लगाओ। एयर सैक के ऊपर सब 5 स्टार लगाएंगे। कुछ चीजें मैम बता रही है अपनी एनसीईआरटी में लिखेंगे। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू राइट इज ए वैस्कुलर। ये जो होते हैं एयर सैक, इनके अंदर ब्लड वेसल होती ही नहीं है, तो ये एक्चुअल रेस्पिरेशन का काम नहीं करते हैं, नक्को करते हैं। तो ये करते क्या है, ये करते हैं कूलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को ठंडा रखते हैं, है ना, ठंडा, डर्मी कूल रखते हैं। जब पंछी उड़ता है ना ऊपर, तो उसे भी गर्मी लगती है, उसे भी ठंडक चाहिए, तो वो एयर सैक करते हैं, बॉडी को हल्का करते हैं। रिड्यूसेस बॉडी वेट। क्यों? क्योंकि बेटा अगर बॉडी में हवा रहेगी तो अपन हल्के नहीं हो जाएंगे। यस बिल्कुल मैम, आज तो उल्का पिंड आ रहा है। ये तुम लोग भी मानते हो क्या ये सब? चलो बेटा, उल्का पिंड आए या ना आए, एक बात मैं बता देना चाहती हूँ। जी स्क्वायर लव माय स्टूडेंट्स। मुकेश कह रहे हैं मैम पानी पी लो। चलो मुकेश, तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी, तुम क्लास के मॉनिटर हो। भाई मुकेश हमारी क्लास का मॉनिटर है, उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। क्लास मेमेलिया, ये अपन की क्लास है, ठीक है। हर जगह मिलते हैं मैमल्स, तुम्हें पता है व्हाई वी आर कॉल्ड मैमल्स, बिकॉज वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स। एक क्वेश्चन मैं यहां पे बता रही हूं, लिख लो सब अपनी एनसीईआरटी में। डायफ्राम, स्पेलिंग ही भूल गई मैम। डायफ्राम इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन। सब अपनी एनसीईआरटी में बड़े बड़े हाईलाइटर, वो पेन होते हैं ना तुम्हारी, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन, उनसे लिख लो। डायफ्राम एक ऐसा फीचर है जो हर मैमल में विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में होगा। ये सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में। मैमल्स के पास हेयर होते हैं बॉडी पे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर पिना होता है, ये होता है पिना। होम्योथर्म्स होते हैं हम, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। सबके सब विविपैरस होते हैं एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस क्या है? प्लैटिपस, जो ओवीपैरस है, जो ओवी पैरस है, अंडा देते हैं ये, ठीक है। बाकी सब विवी पैरस है यहाँ पे। डन एवरीबडी? यस बिल्कुल सही। एंड दिस इज अ कंप्लीट टेबल जो हम रिवाइज कर चुके हैं, पहले भी हम ये कर चुके हैं। जस्ट गिव इट अ क्विक रिविजन ऑफ दिस टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी।
फाइनली 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 कल सुबह 9 बजे हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे 99% सीरीज, ठीक है। कल 11 o'clock में अपनी एनसीईआरटी मत लाना भूलना, क्योंकि हम उसमें करेंगे सेल साइकिल वन शॉट रिवीजन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बी रेडी फॉर टुमारो, ये कल का स्केड्यूल है। कल सुबह 9 बजे एंडोक्राइन सिस्टम पे मेंटी क्विज होगा, 11 बजे सेल साइकिल होगा। सो डू नॉट मेक एनी चेंजेस, ओके। और आना मत भूलना जल्दी से यार, एक लाइक तो कर दो मैम के लिए। ओ माई गॉड, 1 hour 10 minutes का सेशन था, मजा ही आ गया यार, इट वॉज अ वेरी गुड। बच्चा वन थिंग आई रियली वॉन्ट, इफ यू लाइक दिस सेशन डू नॉट हेजिटेट टू कॉमेंट इन द चैट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए वॉट चेंजेस आई कैन डू इन दिस सीरीज। तो जो आप फीडबैक दोगे आज नीचे कॉमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में नहीं, कॉमेंट सेक्शन में, अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए या कुछ माइनस करना चाहिए, फील फ्री टू राइट दिस इन द चैट सेक्शन, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, कई बार मैं बच्चों के साथ मजाक भी करती हूँ उसके अंदर। सो प्लीज लिखना मत भूलना, बिकॉज अगर मैंने कोई नई चीज शुरू की है इट्स फॉर यू, बट अगर आप लोग को फायदा नहीं हो रहा देन इट इज ऑफ नो यूज। सो जी स्क्वायर विल डू एग्जैक्टली वॉट माई स्टूडेंट्स वॉन्ट। तो आज एक आई थिंक 5 minutes 5 seconds लगेंगे, एक कॉमेंट छोड़ देना कि वॉट डू यू एग्जैक्टली वॉन्ट मोर इन दिस सीरीज, क्योंकि ये सीरीज हफ्ते में 4 दिन चलेगी, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। मंडे को क्लास 11th का बैच चलेगा और सैटरडे को देर विल ऑलवेज बी सरप्राइज सेशन फॉर यू, ठीक है। सो अब ये 4 दिन 11 o'clock, वॉट डू यू वॉन्ट, प्लीज राइट इन द चैट कॉमेंट सेक्शन। Everybody like the video. I want 1000 likes before I leave from here. ठीक है? One like, one share, one subscribe for the channel. ये हमारा Telegram group है vdnt.in/medicalvee. Do not forget to join this Telegram group, because मैं यहाँ पे काफी updates देती हूँ बच्चों को कि हम क्या क्या करने वाले हैं। उनको पहले ही schedule पता लग जाता है कि हम क्या करेंगे कल। So please, please, please join this group. So चलो, bye bye, take care, love you all. Bye, मेरे बच्चों। मेरी ताकत, मेरी शान, मेरी जान।